पहले तो बहुत बहुत थैंक कि आशीष सर ने मुझे बुलाया, ठीक है। विकास सर अचानक हम लोग जीटीएस संडे जीटीएस था, निकले सर बोले कि बलरामपुर चलना, ठीक है चलते हैं। मुझे नहीं मालूम कि यहाँ जबरदस्त उतना है, जबरदस्त प्रोग्राम यहाँ ऑर्गेनाइज किया गया है। मैं आके देखा तो मैं खुद आश्चर्यचकित हो गया। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन जितने भी नए कार अचीवर बने, जो नया रैंक अचीवर बने, एक बार सारे लोगों को चाहूँगा कि जोरदार क्लैपिंग होना चाहिए। बलरामपुर आया, यहाँ का नज़ारा देख के एक सोच बना मेरा भी कि हम लोग भी जब जमशेदपुर में जाएंगे तो मैं भी ऐसा प्रोग्राम करूँ, ठीक है। तो दोस्तों, नाम बबलू प्रजापति, रहने का मैं जमशेदपुर में रहता हूँ और इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में पिछला 4.5 साल से काम कर रहा हूँ। इस बिजनेस मैंने से पहले हमारे वहाँ टाटा स्टील है, टाटा स्टील में मैं L&T में जॉब किया करता था। करीब 7 साल उधर जॉब किया, 10 से 15 हज़ार मिलता था, खा पी के सुखी था। ज़िंदगी कहाँ जा रही मुझे भी नहीं मालूम था, लेकिन एक शख्स से मुझे मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने मुझे शाम के वक्त ऐसे प्रोग्राम था, यहाँ तो बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा, वहाँ मात्र 25 से 30 लोग बैठे थे। मैंने सिस्टम को देखा और बिजनेस को शुरुआत किया और शुरुआत करके खाली समय में करने लगा। लेकिन इस बिजनेस का जब पूरी गहराई को समझा मुंबई जाके, तो मेरा सोच बदला कि नहीं, बिजनेस को फुल टाइम करना चाहिए। मैंने बिजनेस को दिल से करने का इरादा किया, फुल टाइम करने लगा। आज कार की अगर बात करूँ तो 3 साल से कार में घूम रहा हूँ माइलेज के माध्यम से। आज अभी SGC रैंक में हूँ, ज्यादा नहीं 2 महीने के अंदर मैं भी रीजनल टीम कोऑर्डिनेटर बन के आपके सामने आऊंगा। पिछला जॉब बता दीजिए, आप क्या करते थे? मैं बताया L&T में मैं जॉब किया करता था, एज ए साइट सुपरवाइजर इंचार्ज का। मेरा उधर ड्राइंग का काम था, मैं स्ट्रक्चर पाइपलाइन का काम करवाता था, करता भी था, 200 लोगों को हैंडल करता था और सैलरी बोलूंगा तो 20-25 हज़ार हो जाता था आप ही के सुखी। लेकिन जिंदगी कहाँ जा रही थी पता नहीं था, क्योंकि 20-25 हज़ार लगता था कि मैं बहुत कमा रहा हूँ। लेकिन सिस्टम को देखा तो समझ में आया कि सपने क्या होती है और जरूरतें क्या होती है। अगर मैं माइलस्टोन में नहीं आता तो कार को सपने का सपने बन जाता, क्योंकि मैं कभी सोचा भी नहीं था कि कार में मैं घूमूं। थैंक्स बोलूंगा पंकज सर भी आज हमारे सामने हैं, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन सर भी हमारे साथ हैं, उनको भी मैं बहुत दिनों को। अगर आज अगर आपने डिसीजन लिया तो आने वाला 2020 जो 31 दिसंबर सर अभी बोल रहे थे कुछ सेलिब्रेशन प्रोग्राम का, बंगला ठीक से समझ में नहीं आया लेकिन कुछ प्रोग्राम की बातें कर रहे थे, तो आप अगर एक सोच बना लिए कि मुझे भी कार लेना है, एक साल के अंदर आप भी STCR कार लेके यहाँ इस स्टेज पर आ सकते हैं। खुद के लिए एक जबरदस्त ताली होना चाहिए, एडवांस कार अचीवर सब सब ऐसा ना। तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन नेक्स्ट चिप के लिए, मैं चाहूंगा हर लोग कार अचीवर बन के यहाँ आए, बस इतने बोलते हैं रुकता हूँ। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सर, जय माता दी।